Welcome students. So students, today we'll be discussing chapter number 1 for class 6, knowing our numbers. So let us start by basic digits. तो पहले क्या आप लोगों को जानना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1. What is chapter number 1? Knowing our numbers. तो students, आपको पहले knowing our numbers पे क्या जानना पड़ेगा? The basic digits किसे कहते हैं? Basic digits. तो जैसे कि बेसिक डिजिट्स क्या है, जो नंबर बेसिक डिजिट्स का मतलब ये होता है, जो नंबर जिसके मदद से दूसरा और भी ज़्यादा नंबर्स को लिखा जा सके. सो बेसिक डिजिट्स आर दोज नंबर्स बाय विच वी कैन फॉर्म मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नंबर्स. सो व्हाट आर दैट? दे आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. और बाकी सब डिजिट्स अगर 10 को लिखा जाए तो इट इज मिक्स डिजिट ऑफ 1 and 0. 1 and 0 का मिक्स डिजिट है. 102 1 and 0 and 2, ये है इसका कॉम्बिनेशन. तो इसीलिए इसे बेसिक डिजिट्स कहा जाता है. ठीक है, तो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. व्हाट आर मिक्स डिजिट्स? नेक्स्ट, बेसिक डिजिट तो समझ गए, तो व्हाट आर मिक्स डिजिट? दोज डिजिट्स दैट आर formed using the basic digits. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखेंगे 10, 11, 100, 102, 100, 1003, etc. ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. सो मिक्स डिजिट और बेसिक डिजिट के बीच यही डिफरेंस है. ठीक है, तो अभी आते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे. तो इसमें भोजो एंड पहली का स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग देखो इसको. इसमें कंपेयरिंग नंबर्स, तो बच्चों इसमें कंपेयरिंग नंबर्स में आप अगर देखेंगे इससे पहले ऑड और इवन नंबर देख लेते हैं. पहले व्हाट आर ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स कौन सा है? तो बेसिक डिजिट हम लोग देखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ऑड नंबर्स क्या है? जो दोस नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय दोस नंबर्स that are not divisible by two. For example, 1, 3, 5, 7 and 9 are odd numbers. उसके बाद क्या आ जाएगा? 10 अगर 11 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा. ये सब एग्जाम्पल के तौर में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc. ठीक है, अभी इवन नंबर क्या होता है? दोस नंबर्स दैट आर
डिविजिबल बाय बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स. हियर आर कॉल्ड इवन सॉरी ऑड नंबर्स. जैसे कि वन जीरो ऑड नंबर्स में तो आपको पता चल गया, लेकिन इवन नंबर में जो सर्कल नहीं है अंडरलाइंड है उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, इवन नंबर्स. जीरो एग्जांपल जीरो टू फोर सिक्स एट टेन एटसेट्रा. ठीक है, अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे. उसको एक्सरसाइज को कंपेयरिंग डिजिट्स का तौर से देखेंगे. तो पहले तो बोला गया है कंपेयर, कंपेयर नहीं कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स कंपेयरिंग नंबर्स नंबर वन 92 392 4456 और 89742. सो ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें से, तो ग्रेटेस्ट ऑब्वियसली ये इसमें वंस और टेंस है, इसमें वंस टेंस हंड्रेड है, इसमें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड है, इसमें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड है. तो बड़ा कौन सा हुआ 89742, स्मॉलेस्ट कौन सा रहा 92. तो बच्चों ऐसे ही हम लोग चार क्वेश्चन और देखते हैं. देख के स्क्रीनशॉट. तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते पहले 4536 4892 तुम्हारे कैसे देखो 4452 बी नंबर 15623 15853 15890 15800 C number 25285 25245 25270 25210 210. तो देखते हैं इसमें से नंबर ए का लार्जेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा. तो लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट बोला जाए इसमें 45 है. देखो वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड है. तो बड़ा कौन सा होगा 45 48 43 या 44 48 92. स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 43 वाला 370. नंबर बी में देखो इसमें देखते हैं पहले कितना वैल्यू है इसपे 110,000 10,000 110,000 10,000 110,000 10,000 110,000 10,000. तो सभी में 10,000 है तो इसमें 155 देखो इसमें सब 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 में वन है पहले, उसके बाद फाइव भी है सब सब में, उसके बाद सिक्स है इसमें जीरो है इसमें वन, तो चेंज तो इसमें आ गया थर्ड वाला डिजिट में. तो इसमें 156 है, ये 150 है, 151 ये 158. तो कौन सा बड़ा हुआ 158 वाला लार्जेस्ट 15800 एंड स्मॉलेस्ट 15073. ओके नेक्स्ट नंबर सी.
तो देखते हैं इसमें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड 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 तो सभी में क्या है टेन थाउजेंड है तो उसके बाद टू 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 भी है सब में फाइव भी है सब में उसके बाद इसमें टू है इसमें टू इसमें टू इसमें टू उसके बाद इसमें एट इसमें फोर इसमें सेवन इसमें वन तो बड़ा चेंज कौन सा डिजिट में आया वन टेंस वाला डिजिट में आया तो इसमें एट है इसमें फोर है इसमें सेवन है इसमें वन है तो बड़ा कौन सा होगा लार्जेस्ट टू फाइव टू एट सिक्स स्मॉलेस्ट कौन सा होगा ये वाला वन टू फाइव टू वन जीरो ठीक है तो बच्चों इसमें अभी हम लोग क्या सीखेंगे मेकिंग हाउ टू हाउ मेनी नंबर्स कैन वी मेक हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर कैन वी मेक विदाउट रिपीटेशन पहला वाला विदाउट रिपीटेशन दैट इज लार्जेस्ट एंड बोथ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाना है स्मॉलेस्ट ओके सो पहला नंबर दिया है टू एट सेवन फोर बी नंबर दिया है नाइन सेवन फोर वन सी नंबर दिया है फोर कॉमा सेवन कॉमा फाइव कॉमा जीरो तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा क्या होगा और स्मॉलेस्ट क्या होगा तो लार्जेस्ट देखा जाए तो फोर डिजिट एक दो तीन चार डिजिट बनाने दिया स्मॉलेस्ट भी एक दो तीन चार तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें एट उसके बाद सेवन उसके बाद फोर उसके बाद टू फिर स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा पहले टू उसके बाद फोर उसके बाद सेवन उसके बाद एट इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है लार्जेस्ट क्या हो जाएगा और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर स्मॉलेस्ट एक दो तीन चार तो इसमें बच्चों देखो लार्जेस्ट कौन सा है नाइन सेवन फोर या वन नाइन है उसके बाद कौन सा सेवन है उसके बाद कौन सा फोर है उसके बाद वन है और स्मॉलेस्ट क्या है इसका उल्टा वन है उसके बाद फोर उसके बाद सेवन उसके बाद नाइन और इसमें देखो इसमें एक चीज होगा आपको इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन चार डिजिट है एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा होगा सेवन उसके बाद फोर या फाइव बिकॉज जीरो तो छोटा ही है तो फोर या फाइव होगा उसके बाद फोर होगा उसके बाद जीरो होगा और अभी स्मॉलेस्ट में क्या जीरो लिखेंगे इधर नहीं बिकॉज जीरो लिख दिया तो बाकी नंबर जो बना फोर फाइव सेवन वो कितना डिजिट का हो गया जीरो तो नहीं रहा अभी फोर फाइव सेवन ये कितना डिजिट का रहा वन टू थ्री तो इसलिए जीरो को बाद में लिखना है जीरो को कहां लिखेंगे सेकंड वाला डिजिट में अभी सबसे छोटा कौन सा है फोर उसके बाद फाइव उसके बाद सेवन और हम लोग थर्ड में भी नहीं लिख सकते हैं जीरो को अगर थर्ड में लिखा तो फाइव जीरो सेवन बड़ा है या ये वाला छोटा है ये वाला छोटा है ऑब्वियसली तो इसीलिए इसको ऐसा लिखा जाता है ठीक है आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
हाउ मैनी नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर numbers using any one digit twice. तो एक वाला एक क्वेश्चन ले लेते 387, बी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 905. तो बच्चों इसमें भी फोर डिजिट बनाना है हमको अपन को, लेकिन इसमें क्या बोला है, एनी वन डिजिट टू टाइम्स लिख सकते, ट्वाइस, एनी वन डिजिट ट्वाइस. मतलब एका अगर देखे 387 है, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट 1 2 3 4. लार्जेस्ट कौन सा है इधर 8, और 8 दो बार रिपीट करेंगे, ठीक है, इसमें 8 दो बार रिपीट करेंगे बिकॉज एनी वन डिजिट ट्वाइस बोला है. तो बड़ा कौन सा है 8 है, तो 8 को ही दो बार रिपीट करना है. फिर आता है 7 और 3, फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है 3, तो इधर 3 ही रिपीट करना है, अगर दूसरा नंबर रिपीट कर दिया तो नहीं होगा. उसके बाद 7 और उसके बाद 8, ठीक है. बी नंबर देखो 905, लार्जेस्ट कौन सा है 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट कौन सा 1 2 3 4. तो लार्जेस्ट कौन सा है 9950, लेकिन स्मॉलेस्ट 00 लिखेंगे, नहीं लिख सकते बिकॉज अगर 00 लिख दिया तो 59 लिखा तो ये बनेगा सिर्फ टू डिजिट, 00 का वैल्यू तो यूजलेस हो जाएगा, तो ये रहेगा टू डिजिट. हमको चाहिए कितना, फोर डिजिट. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो जीरो को छोड़ के छोटा वाला कौन सा है 5, फिर जीरो को दो बार रिपीट कर दो, ठीक है, उसके बाद 9. ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्म. सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच. सो फॉर टुडे वी आर साइनिंग ऑफ हियर. ऑन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच. इफ नॉट देन प्लीज रिवाइंड इट एंड सी इट वंस मोर. You will surely get the points what I want to express or convey. Okay, thank you.